हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ यू आर न्यू हेयर, माय नेम इज देबोलीना एंड आई एम ए प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट। आज मैं आप लोगों के साथ ये स्मोकी आई मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ। आप ये लुक इजीली रक्षाबंधन में क्रिएट कर सकते हैं या फिर कोई भी पार्टी में आप ये लुक क्रिएट कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड टू द वीडियो। मैं स्किन को पहले से मॉइस्चराइज की है, तो एज ए प्राइमर मैं यूज़ करूँगी गुड वाइब्स की रोज़ हिप फेस जेल। यू कैन यूज़ इट एज ए प्राइमर। मैं इसको अच्छे से फेस पर मसाज कर लूँगी। देन मैं एज ए कंसीलर यूज़ करूँगी मेकअप रेवोल्यूशन की कंसीलर इन दी शेड 02। मेरे जहाँ जहाँ पर डार्क स्पॉट्स है एंड मैं अपनी अंडर आइज पे इस कंसीलर को थोड़ा सा अप्लाई कर लूँगी। देन फिंगर की मदद से मैं कंसीलर को ब्लेंड कर लूँगी। मैं फिंगर की मदद से कंसीलर ब्लेंड करती हूँ ज़्यादातर टाइम, क्योंकि इससे कंसीलर बहुत ही जल्दी एंड बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो जाती है। सो इट्स ए ट्रिक। फॉर फाउंडेशन यूजिंग मेबेलिन फिट मी फाउंडेशन इन द शेड क्लासिक आइवरी। मैं इस फाउंडेशन को पहले अपनी फेस पे डॉट डॉट करके लगाऊंगी। देन एक कबूकी ब्रश की मदद से इसको राउंडिंग मोशन में मैं फाउंडेशन को ब्लेंड कर लूँगी। आज मैं फेस को पहले क्रीम कंटूर करूँगी। For that, I am using LA Girl Pro HD Concealer in the shade Mahogany. मैं इसको डॉट डॉट करके अप्लाई करूँगी जहाँ जहाँ पर हम कंटूरिंग करते हैं वहाँ वहाँ पर, एंड फिर उसको मैं एक एंगुलर फाउंडेशन ब्रश की मदद से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। अगर आप बिगिनर हो तो आप क्रीम कंटूरिंग स्किप कर सकते हैं, आप पाउडर कंटूरिंग कर सकते हैं, क्योंकि क्रीम कंटूरिंग ब्लेंड करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए भी ये इजी हो जाएगा। अगर आप एकदम बिगिनर हो तो मैं आप लोगों के लिए पाउडर कंटूरिंग प्रेफर करती हूँ। तो या मैं यहाँ पर एक एंगुलर ब्रश की मदद से मेरी जो कंटूरिंग है, जो कंसीलर है, उसको अच्छे से टाइम लेके ब्लेंड कर लूँगी। एंड जो नोज़ की जो कंसीलर है उसको मैं मेरी फिंगर की मदद से पहले ब्लेंड कर लूँगी। देन मैं वो सेम ब्रश से बस कंसीलर को अच्छे से थोड़ा और ब्लेंड कर लूँगी ताकि ये कंसीलर पैची ना दिखे। To set all of this, I am using Makeup Studio loose powder in the shade 01. It's a white translucent powder. मैं इसको एक पाउडर ब्रश की मदद से थोड़ा पाउडर ही यूज़ करूँगी। मैं फेस को इस पाउडर की मदद से लॉक कर लूँगी। ज़्यादा पाउडर मैं यूज़ नहीं करूँगी, नहीं तो मेरी फेस पूरी मैट हो जाएगी, इसलिए मैं थोड़ा पाउडर ही यूज़ करूँगी। एंड मैं आज मेकअप रेवोल्यूशन के ब्लश पैलेट से ये तीन ब्रश को यूज़ करूँगी, स्माइल एंड अप्लाई। दीज आर द वेरी गुड शिमर ब्लश। फॉर आईब्रो मैं यहाँ पर शिवाना कलर्स की आईब्रो पाउडर यूज़ करूँगी। मैं यहाँ पर एक एंगुलर ब्रश की मदद से मेरी आईब्रोज को फिल कर लूँगी। एंड मैं आईब्रोज को सिंपल तरीके से ही फिल करती हूँ। मेबेलिन हाइपर जेल लाइनर को मैं एक शेडर ब्रश की मदद से मेरी लिड पर अप्लाई कर लूँगी। आज मैं कोई भी आई बेस यूज़ नहीं की है, मैं जो फाउंडेशन अप्लाई की थी उसको ही मैं एज ए आई बेस आज यूज़ करूँगी। देन मैं ये जेल लाइनर को अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। अब ये जूवियस प्लस सहारन पैलेट से ये लाइट कलर को मैं क्रीज पर अप्लाई कर लूँगी। द
देन मैं सेम पैलेट से ब्लैक शेड लेकर मेरी लिड पर ब्लैक शेड अप्लाई कर लूँगी। अब एक क्लियर ब्लेंडिंग ब्रश की मदद से मैं क्रीज की कलर को अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। मैं सेम जेल लाइनर से अपनी लोअर लैश पे भी अप्लाई कर लूँगी जेल लाइनर को, एंड इस जेल लाइनर को आज मैं ऐसे काजल भी अप्लाई कर लूँगी। टेकिंग दिस टू शेड, मैं इस दो शेड से आज फेस को ब्रॉन्ज कर लूँगी। इससे मेरे फेस में एक अच्छा सा ग्लो आएगी। आप चाहे तो ये प्रोसेस स्किप भी कर सकती हो, एंड ये दोनों शेड से मैं आज फेस को हाईलाइट करूँगी। एंड वी ऑल नो हम कहाँ कहाँ पर हाईलाइट करते हैं फेस पे, अपनी चीक बोन पर, देन फोरहेड, क्यूपिड बो, ब्रिज ऑफ द नोज एंड चिन। एंड मैं मिस क्लियर की एक लिप लाइनर से मैं अपनी लिप को लाइन कर लूँगी। देन आई एम यूजिंग मेबेलिन क्रीमी मैट लिपस्टिक इन द शेड बियरली न्यूट। आई अप्लाइड फॉल्सीज एंड मस्कारा ऑफ कैमरा, एंड दिस इज द फाइनल लुक गाइज। होप यू ऑल एंजॉयड वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज डोंट फर्गेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड इट मीन्स अ लॉट फॉर मी। एंड एज यू ऑल नो गाइज, आई एम ए प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट एंड आई लिव्ड इन वडोदरा। इफ़ यू गाइज वॉन्ट टू बुक मी ऑन any of your special event, please check the description box, आपको वहाँ पर मेरी सारी contacts मिल जाएगी। and bye, love you all।